तो दोस्तों आज हम दो इलेक्ट्रिक बाइक का कंपेयर करेंगे। एक बाइक का नाम आप जानते हैं रिवोल्ट RV 300 और दूसरी बिल्कुल नई आई हुई है तुनवाल की TZ। दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइकें हैं और दोनों में आपको हब मोटर मिलता है, बेहतरीन मॉडल मिलता है और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसलिए इन दोनों बाइकों के प्राइस, माइलेज, फीचर्स को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को। इस चैनल पर आपको बाइक और स्कूटर के कंपेयर की संबंधित वीडियो मिलती रहती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें जिससे और भी लोग जान सकें। तो कंपेयर की शुरुआत हम दोनों बाइकों के मॉडल और डिजाइन से करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकें बहुत ही बेहतरीन दिख रही हैं। दोनों ऐसा नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक बाइकें हैं और कुछ लोगों को तुनवाल की बाइक का मॉडल पसंद आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कम प्राइस में मिलेगी और कुछ लोगों को रिवोल्ट की बाइक का मॉडल पसंद आएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें अपनी अपनी पसंद होती हैं। आपको कौन सी बाइक का मॉडल पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो फीचर्स की बात करें तो दोनों ही बाइकों में आपको LED लाइट मिल रही है, आगे भी LED लाइट, पीछे भी, और LED इंडिकेटर भी मिल रहे हैं। लेकिन तुनवाल की बाइक में पेट्रोल टैंक पर भी LED दी गई है जिससे ये बाइक देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। रिवोल्ट में आपको अभी कोई LED लाइट आपको पेट्रोल टैंक पे नहीं मिलती है। फिलहाल आपको LED लाइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोनों बाइकों में। और मोटर की बात करें तो दोनों ही बाइकों में आपको हब मोटर मिलता है। रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 1.5 किलोवाट का हब मोटर लगाया गया है और इसमें 60 वोल्ट 2.7 किलोवाट की बैटरी लगाई गई है लिथियम आयन वाली, जो कि 75% 3 घंटे में चार्ज होती है और फुल चार्ज होने में इसको 4.2 घंटे लगते हैं। और तुनवाल की बाइक में 72 वोल्ट और 40 AH की लिथियम आयन वाली बैटरी लगी हुई है जो कि लगभग 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है, ऐसा कंपनी ने बताया हुआ है। और इसमें 3 किलोवाट की मोटर लगी हुई है तो ये ज्यादा पावरफुल है रिवोल्ट की बाइक से। और टायर साइज की बात की जाए तो दोनों ही बाइकों में आपको आगे ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, पीछे भी ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। ब्रेक की बात की जाए तो दोनों ही बाइकों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि तुनवाल में आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। और तुनवाल में आपको आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रिवोल्ट की बाइक में आगे आपको अप साइड डाउन फॉर्क मिलते हैं और पीछे इसमें मोनो सस्पेंशन लगाया गया है। तो यहां पर अगर सस्पेंशन देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सस्पेंशन रहेगा रिवोल्ट की बाइक का। और माइलेज की बात की जाए तो अगर आप रिवोल्ट की बाइक खरीदते हैं तो वो एक बार चार्ज होने पर अगर आप 20 से 25 की स्पीड में जाते हैं तो लगभग 180 किलोमीटर चलेगी, लेकिन अगर आप 40 से 45 की स्पीड चलाते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा कम चल सकती है। वहीं तुनवाल की बाइक ये भी लगभग आपको 40 से 45 की स्पीड में आपको 150 किलोमीटर की माइलेज दे सकती है, लेकिन तुनवाल की अभी बिल्कुल क्लियर चीज नहीं पता चल पाई है कि ये कितना जाएगी, लेकिन ये जो चीज बताई गई है कि लगभग 150 किलोमीटर चल सकती है। तो जब ये इसकी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और प्राइस की बात की जाए तो रिवोल्ट की बाइक अगर आप लेते हैं 300 तो ये आपको 1,10,963 रुपए की पड़ेगी, वो भी 37 महीने आपको किस्त देने पड़ेंगे 2,999 की। आप इसको कैश नहीं ले सकते हैं, ये चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, लेकिन तुनवाल TZ को आप ले सकते हैं, आप कैश भी ले सकते हैं, फाइनेंस भी ले सकते हैं। और इस बाइक की प्राइस तो क्लियर नहीं हुई है लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि लगभग ये 80 से 90 हजार या 80 हजार रुपए तक मिल सकती है, कुल मिला के ये 1,00,000 रुपए के अंदर मिल सकती है। तो यहां पर इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। तो अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं कि इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकला, कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। तो दोनों ही बाइकों में आपको हब मोटर मिल रही है, ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, अच्छे सस्पेंशन मिल रहे हैं, बैटरी भी लिथियम आयन वाली मिल रही है और मोटर भी अच्छी मिल रही है। तो कुल मिलाकर चलने में दोनों ही बाइकें सही रहेंगी। रही बात मॉडल की तो दोनों बाइकों में आपको जिस बाइक का मॉडल पसंद हो आप उस चीज को जरूर देख लें, लेकिन मैं यहां पर आपसे यह कहना चाहूंगा कि तुनवाल की बाइक काफी सस्ती है। अगर इससे पहले अगर आप वारंटी की बात मैं आपको बता दूं तो वारंटी अभी इसमें कोई चीज कंपनी ने क्लियर नहीं की है तुनवाल वालों में कि इसमें कौन सी वारंटी मिलेगी। फिलहाल वारंटी आपको ज्यादा मिलेगी रिवोल्ट की बाइक में, लेकिन रिवोल्ट की बाइक अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है जबकि तुनवाल की बाइक लगभग सभी जगह उपलब्ध है। इसके सर्विस सेंटर भी हैं, इसके शोरूम हैं, इसमें कुछ भी हो जाएगा तो आप इसको दिखा सकते हैं, आप इसको कैश भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको फाइनेंस करवाएं, जब तक आपका फाइनेंस चलता रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगे तो आपकी बाइक बंद कर दी जाएगी। और ये बाइक सस्ती है तो यहां पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसकी ज्यादा बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये बाइक सस्ते में आपको मिल रही है, 150 किलोमीटर ये भी जाएगी या उससे थोड़ा सा कम भी जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये बाइक ज्यादा बेहतर रहेगी। और उसमें अभी वो हर जगह हर जिलों में जाने में काफी दिन लग जाएगा, अभी सिर्फ वो दिल्ली में मिलेगी फिर पुणे में मिलेगी। उससे पहले अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप तुनवाल की बाइक खरीद सकते हैं। जैसे कि अब जैसे उसमें आपको एडवांस फीचर मिलेंगे, AI फीचर्स मिलेंगे, जैसे सिम लगी हुई है तो काफी सिक्योर है। इस चीज को मैं भी मानता हूं कि फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको रिवोल्ट की बाइक ज्यादा अच्छी रहेगी,
उसमें आपको थोड़ी सी प्रीमियम फीलिंग हो सकता है आपको आए, लेकिन इसमें भी प्रीमियम फीलिंग है। लेकिन फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको रिवोल्ट की बाइक ज्यादा अच्छी रहेगी, उसमें आपको वारंटी भी ज्यादा मिल रही है, लगभग सभी चीजों की वारंटी मिल रही है। इसमें भी वारंटी क्लियर नहीं है, इसकी वारंटी क्लियर हो जाएगी तो मैं एक कंपेयर और कर दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल अभी इस टाइम अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए, मिलने के हिसाब से देखा जाए कि जल्दी से आप खरीद सकते हैं, तो इस हिसाब से तुनवाल की बाइक अच्छी है। अगर आपको मॉडल अच्छा लगता है तो आप लोग खरीद सकते हैं, पहले आप जाके टेस्ट राइड कर लें। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत जाके खरीद लें, आप पहले जाके टेस्ट राइड कर लें, आप रिवोल्ट की भी बाइक को देख लें, आपको जो समझ में आता है आप लोग कर सकते हैं। दोनों ही बाइकें मेरे हिसाब से काफी अच्छी हैं, आने वाला टाइम इन्हीं इलेक्ट्रिक बाइक का है। तो अब इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, कौन सी बाइक आप खरीदना चाहेंगे उन चीजों को आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।